मॉडल टाउन क्षेत्र पानीपत में राहगीरी उत्सव का आयोजन किया गया। मेरा पानीपत फिट पानीपत इस बार की राहगीरी में मुख्य थीम से राहगीरी का शुभारंभ भले ही किया गया हो, लेकिन देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हरियाणा की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक इस कार्यक्रम में देखने के लिए नागरिक आतुर रहे। इस बार की राहगीरी की विशेषता यह रही कि सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाले सभी मुद्दों को इस राहगीरी में उठाया गया। शहरी विधायक प्रमोद विज तथा उपायुक्त सुमेघा कटारिया ने राहगीरी के सभी मंचों पर जाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। राहगीरी का शुभारंभ वंदे मातरम से हुआ और राष्ट्रगान के साथ ही राहगीरी उत्सव संपन्न हो गया। राहगीरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, महिला व बाल अधिकार संरक्षण और हरियाणवी संस्कृति का महत्व तथा सड़क सुरक्षा के मुद्दे को उठाने में पूरी तरह से सफल रही। जोरदार वोटिंग कीजिए। देखो जीडी गोविंद का और राधा डांस स्टूडियो ने इतने अच्छे स्टेज लगाई, तो सब लोग एंजॉय कीजिए। तो एक बार जोरदार अपने लिए एक बार जोरदार वोटिंग कीजिए। बस आप अरे तुम लोग नाम लिखवाना।
ਡੰਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੰਗ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਸੋਹਣੇ ਡੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਗੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਪੰਗੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਚੰਦਨੀ ਨੀ ਗਲੀਆਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਬਟਰ ਫਲਾਈਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ करते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल से आए बच्चों का जिन्हें शायद बहुत कम मौका मिलता है ऐसे आयोजनों पे आने का और उन्होंने आकर के अपना रंग भी जमाया है और खूब मस्ती भी की है और सभी ऑर्गेनाइजेशंस को और पानीपत वासियों को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि राहगिरी वास्तव में प्रशासन का काम नहीं है। राहगिरी ये लोगों का कार्यक्रम है, हम सबका, आप सबका कार्यक्रम है और आप इसमें जब तक भाग लेते रहेंगे हम राहगिरी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि फिटनेस के लिए थोड़ा सा हमने राहगिरी शुरू ही क्यों की कि कम से कम 15 दिन बाद किसी भी रविवार को 2 घंटे बाहर तो निकले हम और वो हो जाए जो हम हैं। आज यहाँ मॉडल टाउन में 21वीं राहगिरी का आयोजन किया गया और ये आयोजन लोगों के द्वारा ही किया जाता है, यहाँ की संस्थाओं द्वारा किया जाता है, यहाँ की जितने भी स्कूल्स हैं वो वॉलंटेरिली इसमें जो भाग लेते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से किस संवेदनशीलता के साथ अलग अलग मुद्दों पे सोचती है, चाहे फ्लाइंग क्लब है तो वो पोल्यूशन फ्री पानीपत की बात कर रहा है और राधे की स्टेज है तो वो कहीं देशभक्ति की बात कर रही है और किस तरह से एक स्पेशली एबल्ड पर्सन वो एक राह दिखा सकता है। लायनेसिस क्लब ने फायर सेफ्टी और उस पर आयोजन किया है, जागृति मंच सेल्फ डिफेंस पे ऑर्गेनाइज कर रहा है, बाल विकास की स्टेज है और कितने कितने और स्कूल्स हैं और मिलेनियम है या DPS है, सब ने भी भाग लिया। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे इसमें बहुत हैं जिनको आमतौर पे ऐसा मौका नहीं मिलता, तो मैंने कई बच्चों से ऐसा जानना भी चाहा कि उनको कैसा, उनकी एनर्जी, उनके चेहरे के भाव, मुझे लगता है मेरे लिए वो पानी का जहाँ आम आदमी भी इसका हिस्सा महसूस करता है और इससे कोई ना कोई मैसेज भी लेके जाता है। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो 2 घंटे बाहर तो निकलता है और ऊर्जित होता भी है और ऊर्जित करता भी है। सो मेरा पानीपत फिट पानीपत के स्लोगन से चली राहगिरी जो लोगों का ही आयोजन है और लोगों के ही द्वारा है और लोगों के ही लिए है, उसमें महिलाओं की, बच्चियों की, बच्चों की, युवकों की जो भागीदारीता निकल के आती है वो पानीपत की एक मखसूस पहचान बन जाती है। ये बहुत अच्छा लगता है।
आज रोटरी पानीपत साउथ क्लब द्वारा गरीब असहाय बच्चों को शहर के एक 3-स्टार होटल में खाना खिलाने और उसके बाद सर्कस दिखाने के लिए ले जाया गया। क्लब के प्रधान असीम ग्रोवर ने बताया कि लगभग 100 बच्चों को पहले होटल डेज में लंच कराया गया और फिर उन बच्चों को सेक्टर 25 में लगी सर्कस दिखाई गई। कुछ बच्चे अनाथ आश्रम से थे और कुछ बच्चे झुग्गी झोपड़ियों से लाए गए थे। इन बच्चों ने बताया कि उन्होंने पहले कभी इतने बड़े होटल में आकर खाना नहीं खाया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंदर आकर बैठकर होटल में खाना खा पाएंगे। उन्होंने क्लब के सभी मेंबर्स का धन्यवाद किया। क्लब के सदस्य सचिन माटा ने बताया कि इस तरह गरीब असहाय बच्चों को खाना खिलाकर और उनके साथ समय बिताकर उनके मन को शांति मिली है। इस अवसर पर अश्विनी शर्मा, विकास शर्मा एडवोकेट, जसविंदर सिंह, सचिन माटा, गगन रावल, कमल अनेजा, कपिल, राजीव टुटेजा, पंकज गुलियानी, सुरेंद्र बजाज मुख्य रूप से मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि भगवान मुझे रोज ऐसा मौका दे कि मैं इन बच्चों की सेवा कर सकूं। मेरी जिंदगी का एक ही एम है कि मैं इनकी सेवा के लिए तत्पर रहूं, तैयार रहूं, 24 घंटे तैयार रहूं। जब जब इनको मेरी सेवा की जरूरत हो मैं इनके लिए तैयार खड़ा रहूं। बस ठीक है, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँ। क्या नाम है आपका? सचिन माटा, पानीपत साउथ से। आज हम यहाँ पे गरीब बच्चों को, यहाँ जो कुछ बच्चे यहाँ अनाथ आश्रम रहते हैं और वहाँ पे गरीब बच्चे हैं, सबको यहाँ सर्कस दिखाने आए हैं। और हमारे क्लब के मेंबर हैं श्री सचिन माटा जी, इन्होंने सब बच्चों को यहाँ पे खाना खिलाया अपने होटल में, डेज होटल में सबको खाना खिलाया है और अब यहाँ सबको सर्कस दिखा रहे हैं। जो बच्चे आए हैं आज अनाथ आश्रम के अलावा और भी कहीं से झुग्गी झोपड़ी? हाँ जी, झुग्गी झोपड़ी और अनाथ आश्रम, पूरी कॉलोनी के बच्चे, सारी कॉलोनी के बच्चे आए हैं। लगभग 80 बच्चे हैं यहाँ पे जिनको आज हम सर्कस दिखा रहे हैं। कुछ सड़क पे घूमने वाले हैं, जो ये बाहर यहाँ मॉल के बाहर बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, उन सबको यहाँ बुला के हम आज सर्कस दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? असीम ग्रोवर जी। अश्विनी जी, कुछ एक दिन पहले अनाथ आश्रम गए थे बच्चों के लिए ब्लैंकेट देने के लिए। तो इनको वहाँ जाने के बाद ये विचार मन में आया कि ये बच्चे यहाँ चार दीवारी में ही रहते हैं हमेशा, तो क्यों ना एक ऐसा प्लान बनाया जाए कि जिससे बच्चों की आउटिंग भी हो जाए, इनको कुछ दुनिया देखने का मौका मिल जाए। और इनिशिएटिव लिया हुआ था अश्विनी जी का, हम तो सब वैसे ही साथ में हैं, तो इंजन यही बने हुए हैं इस सब काम के। तो जब बच्चों को लेके आए हैं तो बच्चों के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली हैं जिनको सुनने बाद ना खुद से ही मन को ये लगा कि ये बहुत ही अच्छा काम किया। एक बच्चे ने मुंह से बात बोली कि मैंने तो लाइफ में ये सोचा नहीं था कि मैं सपने में भी सोचा था कि मैं यहाँ पर ऐसे होटल में मेरे को खाना खाने का मौका मिलेगा। वैसे तो मैंने फिल्मों में ही देखा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में ऐसी जगह आ पाऊँगी। तो ऐसी बातें जब सुनी उनके मन से तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मन को बड़ी शांति मिली इस चीज़ के लिए। और मैं कहूँगा कि ऐसे ओकेजन्स बार बार आते रहने चाहिए, हम सबको एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं देखो देश का भविष्य है। हो सकता है इनमें से कोई आगे चल के कोई बड़ा नेता बन जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये सिर्फ अगर हम इनको एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में ले आएंगे तो ना जाने इनका ब्रेन कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए। आज इस हालात में हमें इस बात समझना चाहिए हम एबल हैं कुछ करने के लिए, तो हमें कुछ करके देना चाहिए। क्या नाम है आपका? श्री सनातन धर्म संगठन द्वारा 650 निर्धन असहाय जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क राशन तथा सहायता सामग्री प्रदान की गई। नरसेवा नारायण सेवा के इस महान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महेश नारंग, प्रधान शहरी मंडल भाजपा पानीपत, तथा महेंद्र मुंजाल, सुप्रसिद्ध उद्योगपति तथा समाजसेवी, ने अपने कर कमलों के द्वारा जरूरतमंद परिवारों को राशन तथा सहायता सामग्री प्रदान की। सनातन धर्म संगठन के अध्यक्ष सूरज पहलवान ने बताया कि इन जरूरतमंद परिवारों में कोई अति निर्धन है तो कोई बेसहारा है, कोई विधवा है तो कोई विकलांग है, कोई विदुर है तो कोई असहाय है। भगवान श्री की लीला अपरंपार है, प्रभु की लीलाओं को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम इन सबकी सेवा करके, इनका सहयोग करके इनके परिवारों की पीड़ाओं को कम कर सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सर्व श्री सतनाम दास मिगलानी, ओम ढींगड़ा, सतीश गुप्ता, चंद्रभान वर्मा, तीरथ दास सेठी, जगदीश जग्गी, डॉक्टर सुरेंद्र पुष्करणा, मदनलाल डुडेजा, सुनील मिगलानी, सत्यम आहूजा, मदनलाल गक्खड़ सहित काफी संख्या में सेवादार उपस्थित रहे। राशन वितरण किया गया जिसके अंदर हमारे प्रधान जी, अपना पहलवान जी और सारे भाई सुबह पहलवान जी और ओपी ढिंगड़ा जी, मेरे भाव जी, हमारे सारे परिवार ने मेरी इतना इज्जत और मान सम्मान दिया। इनकी सेवा को दिल से शुरूट है। गरीब लोग जिनको राशन नहीं मिलता, जिनके लिए अंत किए गए गूंद के लिए लोग बसते हैं, उनको ये हर महीने हर 15वें दिन राशन उपलब्ध करवाते हैं। और ये लोग 650 परिवारों को एक मायना रखता है। नाम लेना आसान है,
करना बहुत मुश्किल है। क्या कहना, जल सेवा सबसे बड़ी सेवा, अन्न सेवा भी सबसे बड़ी सेवा है, अन्न की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और आज गृह मंदिर के अंदर मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे राशन वितरण करने के लिए बुलाया, मेरे भाइयों ने, मैं इनके लिए इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। 150 निर्धन बेसहारा असहाय परिवारों में राशन वितरण किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे भ्राता श्री महेश जी नारंग, जो कि भाजपा दक्षिणी शहरी मंडल के अध्यक्ष हैं और नगर पार्षद के रूप में भी यहाँ कार्य कर रहे हैं, इनके परिवार से पार्षद हैं और समाज सेवा के अंदर इनका सदैव सहयोग रहता है। और हमने इनसे प्रार्थना की कि आज इस कार्यक्रम में आपको मुख्य अतिथि बनाना है, तो इन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। हम श्री सनातन लोक संगठन की ओर से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मॉडल टाउन स्थित डॉक्टर महाराजा कृष्ण कपूर आर्य मॉडल स्कूल पानीपत में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पानीपत शहरी एमएलए प्रमोद विज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। बच्चों को ऑनर करने के लिए होता है, जो हमारे बच्चे बाहर से प्राइजेस लाते हैं या हमारे अपने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो कि अचीवमेंट्स, जिनकी कोई भी अचीवमेंट होती है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो इसको हम बच्चों को ऑनर करने के लिए उनके लिए प्राइजेस भी रखते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखते हैं। ये आज का हमारा फ्यूजन प्रोग्राम था, जिसमें कि हमने सारे के सारे जितने भी हमारे फोक डांसेज हैं, रिलीजियस डांसेज हैं, जितने भी हैं, सबको हमने इसमें कवर किया है। इसके साथ हम एग्जीबिशन भी कवर करते हैं। हमने साइंस एग्जीबिशन, रोबोटिक एग्जीबिशन, आईटी एग्जीबिशन, इसके साथ साथ सोशल साइंसेज एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन, सारी एग्जीबिशन हम अरेंज करते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। आज हमारे कम से कम 500 बच्चों ने एग्जीबिशन में और 400 बच्चों ने हमारे यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया।